किसानों के लिए अभिशाप बनी बेमौसमी बारिश, खड़ी फसल हुई नष्ट। विधायक सौरभ बहुगुणा ने लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बेमौसमी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते नदियों के किनारे बसे गांवों में पानी घुसने से एक तरफ आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं अतिवृष्टि से ये बेमौसमी बारिश के कारण किसानों के लिए आफत आ गई है। किसानों के खेतों में खड़ी धान की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गई, जिससे किसानों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। लगातार पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण शक्ति फार्म के गांव अरविंद नगर, राजनगर, गुरुग्राम, रुदपुर सहित कई गांवों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा, तहसीलदार पटवारी सहित पुलिस प्रशासन ने अतिवृष्टि से हुए जान माल के नुकसान का जायजा लिया। इसे तारगंज के उकरौली में कैलाश नदी के कटाव से आवासीय क्षेत्र में पानी घुस गया और एक मंदिर सहित कई मकान ढह गए और कई मकानों में दरार आ गई। प्रमुख रूप से शक्ति फार्म स्थित ग्राम अरविंद नगर में 7, 8 और 9 में अधिक नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि गौरीघाट शमशान से लेकर झाड़ी मंदिर बस्ती तक करीब 1500 से 2000 एकड़ पर खड़ी फसल नष्ट हो गई, साथ ही लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। शासन प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नाव के माध्यम से रेस्क्यू करके भेजा जा रहा है। ग्राम प्रधान पंकज बसु ने बताया कि वहां रात 2:30 बजे से ही लोगों के बचाव कार्य में लगे हैं। फिलहाल गांव की प्राइमरी स्कूल में लगभग 250 से 300 परिवारों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा पीड़ित परिवारों के लिए राशन और बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे बहादुर सिंह जी ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 80% धान की फसल को गहरा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत जी से बातचीत कर फसल पर तय की गई नमी प्रतिशतता को 17% से बढ़ाकर 19% की जाए। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि इस बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की नष्ट हुई फसलों को उनका सही मुआवजा मिल सके।